आज की क्लास में हम कुछ डाउट्स कवर करेंगे जो आप लोगों ने भेजे हैं। कुछ रियल नंबर नंबर सिस्टम से हैं, कुछ दूसरे चैप्टर से भी हैं। फर्स्ट इज शो दैट 0.12 बार प्लस 0.1 बार इक्वल टू 0.23 बार। अब ये प्रूफ दैट में तो नहीं आएगा, पर इन दिस प्लस दिस इक्वल टू ऑप्शंस में आ सकता है ना। तो 0.12 बार को यदि आपने एक्स अज्यूम किया तो डेसिमल के बाद देर आर टू डिजिट्स जिसके ऊपर बार है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से। तो आप एक्स इक्वल टू 0.12 बार लिखेंगे एंड 100x इक्वल टू आपका 12.12 बार होगा। एंड यू नो दैट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, तो यहाँ आ जाएगा 99x और इधर आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 12/99। नाउ वी नीड टू सॉल्व 0.1 बार। तो 0.1 बार देर इज़ ओनली वन डिजिट आफ्टर डेसिमल जिसमें बार है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू ये 1.1 बार माइनस 0.1 बार, तो आपका ये वैल्यू क्या आएगी, 9x इक्वल टू 1। x की वैल्यू हो गई 1/9। अभी हमको इन दोनों को ऐड करना है, तो 12/99 प्लस 1/9 होगा, और यहाँ पर x नहीं बेटा y लेंगे। यदि प्रूफ करना हो तो, यदि सिंपली सॉल्व करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले लीजिए, पर यदि हमें शो करना है कैलकुलेशन देन यू नीड टू टेक सम अदर वेरिएबल। अब 1/99 का एलसीएम क्या आ गया, 99, ये तो 12 रहेगा, 11 × 9 = 99, 11 × 1 = 11, तो ये आपका क्या बन गया, 23/99। दिस इज 23/99, और 0.23 बार को यदि आप कन्वर्ट करो तो उसकी वैल्यू भी 23/99 आएगी, क्योंकि 0.23 बार मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100, 100x माइनस x विल बी 99x इक्वल टू 23, तो x इक्वल टू 23/99, सो दिस इज इक्वल टू 0.23 बार। क्लियर, ये ऐसे हमको प्रूफ करना है। यदि प्रूफ करना है तो आप इसको फिर से कुछ और z ले करके करेंगे, हाँ यदि ढंग से करना है तो हम इसको z ले लें कि लेट z इक्वल टू 0.23 बार मल्टीप्लाई बाय 100, 100z इक्वल टू 23.23 बार, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन यू गेट 99z इक्वल टू 23, सो z इज 23/99, दैट मीन्स 0.23 बार की वैल्यू क्या हो गई, 23/99, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तब भी हमें क्या मिला, 23/99, तो दोनों का सम उसके इक्वल है, ये प्रूव हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.12। 0.1 और 0.12 के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। इरेशनल नंबर के लिए क्या करते हैं बेटा, हम पीछे टेल लगा देते हैं, क्या 01001000001... हाँ, कोई भी नंबर उसके पीछे ये नंबर लिखे हों तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर 0.1 एंड 0.12 के बीच में नंबर लेना है, तो हम क्या ले सकते हैं, 0.11, 0.1 और 0.12, 1 मतलब 10 हो सकता है वो, है ना, तो 0.10 और 12 के बीच में 0.11 आएगा, 0.101 आ जाएगा। तो अब आप इसके पीछे यही नंबर लगा दें, 01001000001, 0.11 फिर 01001000001... तो ये नंबर क्या बन गए, इरेशनल नंबर। और आपको पता है इसका आंसर हर कोई अलग लिख सकता है और हर किसी का आंसर करेक्ट हो सकता है, तो जनरली आपको MCQ में ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपको क्या करेंगे, आपको नंबर्स दे देंगे ऑप्शन में इस तरह के जो एक आधा आंसर ही सही हो। नेक्स्ट इफ गिव वन इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, 0.2 बार का मतलब क्या है, 0.22222, तो 0.2222 और 0.2101 के बीच का एक नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.2101 से बड़ा और 22 से छोटा, तो 2105 ले लिया, या 0.220 ले लिया, ये 22222 है तो 220 ले लिया। अब इसके पीछे वही 01001000001... हाँ, ये याद रखना, ... सिग्निफाइज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, और अलग अलग नंबर लिखे हैं इट सिंपली सिग्निफाइज कि दिस इज़ नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, तभी वो इरेशनल नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री. तो रूट टू एंड रूट थ्री के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है तो आपको सबसे पहले रूट टू की वैल्यू डेसिमल में चाहिए, रूट थ्री की वैल्यू भी डेसिमल में चाहिए. फ्रैक्शन में हो तो भी यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो रूट टू की वैल्यू आपको याद हो तो 0.141 आगे कुछ और होगा. रूट थ्री की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.732 समथिंग होती है. तो हमको इनके बीच में दो इरेशनल नंबर चाहिए. तो 14 से बड़ा और 73 से छोटा, 1.73 से 1.41 है, ज़ीरो कैसे लिख दिया मैंने. ओके, दिस इज 1.41. अच्छा हुआ ध्यान चला गया, 1.414 होता है, दिस इज 1.732. तो 14 से बड़ा 17 से छोटा. हाँ, तो आपने 15 ले लिया, मतलब 1.15, 1.6 दो ही चाहिए, 1.5, 1.6 इसके पीछे कुछ भी लगा दो, 1, 2, 3, 4, हाँ 1, 7, 2, 7, 9 कुछ भी लगा दिया, फिर पीछे वही 01001001.001001.001. तो ये क्या बन गए, इरेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 3/11 एंड 5/7. मैंने आपको अभी बोला था कि फ्रैक्शन में हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में, रूट में हो तो भी यू नीड द वैल्यू डेसिमल, ताकि आप उसकी रेंज देख करके बीच के नंबर इंसर्ट कर पाएँ. तो हमारा 3/11 इस 3 को 11 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लग गया, 0 हो गया, 11 2 22, बचा 8, 80, 11 से 1 जा 77 सफिशियंट है, अब हमें और करने की ज़रूरत नहीं है. फिर से 3 आ गया, मतलब दिस इज़ 0.27 बार, 3/11 इज़ 0.27 बार, दिस इज़ इक्वल टू 0.27 बार. 5/7, 5 डिवाइडेड बाय 7, डेसिमल 0, 7 7 जा 49, रिमाइंडर आ गया 1, 7 1 जा 7, आगे पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं. इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.71 हो गई, पूरा नहीं निकाल रही मैं, अपॉन में 7 है तो रिपीट तो होगा ही वो, पर ये 0.27 है एंड ये 0.71 है, मतलब 0.27 से बड़ा और 0.71 से छोटा. तो आप बॉर्डर पे जाओ ही मत, 27 और 71 को देखो ही मत, 0 पॉइंट लगा लेना, 27 71 से दूर रहो. तो इनके बीच में बहुत नंबर हैं, आपने ले लिया 30, आपने ले लिया 50, हाँ 0.50 0.61 0.70 तक भी ले सकते हो, और इन सब के पीछे वही लगेगा 0001001.001. सेम सीक्वेंस रिपीट करते जाओ, ये सब क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर्स. सिंपल कंसेप्ट है एकदम, यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द रेंज, किस नंबर से बड़ा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, हाँ किसके बीच में, वो नंबर देख लो और हर एक के पीछे आप सिंपली एक टेल लगाते जाओ, 0100100001.... तो आपके इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे. ठीक, तो ये कंसेप्ट के क्वेश्चन कंप्लीट. अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इज, तो आंसर क्या आएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 पार्ट्स में. हमने ये प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है. तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड्स इट इनटू 4 पार्ट्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइंट लाइज अबव एक्स एक्सिस, कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइ करेगा. तो एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू, या x की वैल्यू नेगेटिव बट y की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो अबव x एक्सिस होगा. वो बिलो एक्सिस कब होगा, जब y नेगेटिव हो, व्हेन y इज़ नेगेटिव इट विल बी बिलो x एक्सिस. तो हम देखें y पॉजिटिव किस में है, तो y पॉजिटिव सिर्फ इसमें है, इसमें y ज़ीरो है, y ज़ीरो है मतलब ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही होगा, इसमें y नेगेटिव है मतलब ये बिलो x एक्सिस हो गया, इसमें ये बिलो x एक्सिस 0, -3 y एक्सिस के ऊपर पॉइंट हो गया. तो सिंपल सी बात याद रखो, बिलो x एक्सिस मतलब y की वैल्यू नेगेटिव,
और x जीरो नहीं होना चाहिए, x जीरो होगा चलेगा, y नेगेटिव इज बिलो x एक्सिस, हाँ अबव x एक्सिस y शुड बी पॉजिटिव, y पॉजिटिव होगा तभी वो अबव x एक्सिस होगा, और यदि y जीरो हो तो इट विल लाई ऑन x एक्सिस। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर, ये भी समझ में आ गया ऑप्शन और कंसेप्ट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस वन वन जीरो जीरो एंड वन माइनस वन हैज इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, पॉइंट्स को देखें, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इक्वल है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब एक्स और वाई में अपोजिट रिलेशन है, जीरो को रखेंगे तो माइनस जीरो भी जीरो ही होता है ना, तो जीरो पे तो जीरो आ गया, वन रखेंगे तो वो माइनस वन हो जाएगा, इसको माइनस वन रखेंगे तो वो प्लस वन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वाई, माइनस वाई को आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो इट विल बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज ऑप्शन टू। एक्स इक्वल टू वाई तब होता जब वन वन और माइनस वन होता, दोनों की वैल्यू सेम होती, जो वैल्यू एक्स की है वही वैल्यू वाई की होती तो ये रिलेशन होल्ड होता, पर अभी अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो ये वाला रिलेशन होल्ड होगा, है ना, डबल वाला और कुछ तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन सा ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यू रिमेंबर द कंसेप्ट, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो यदि वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यू जस्ट नीड टू चेक जिसमें वाई कॉन्स्टेंट हो, तो ये रहा वाई इक्वल टू टू, यहाँ एक्स और वाई दोनों आ गए, नहीं हो सकता, एक्स कॉन्स्टेंट मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ एक्स इक्वल टू टू वाई, दिस विल बी पासिंग थ्रू दिस, आपका दोनों एक्स उसमें जाएगा, पैरेलल नहीं होगा, तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो तो ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, ये सारी बातें बिल्कुल याद होना चाहिए, तो आपको इन क्वेश्चंस में एक्चुअली प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो रिवर्स में ही चलते हैं, विच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अब इसमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होते हैं, एक्स कॉमा जीरो, हाँ एक्स एक्सिस पे एक्स होगा, वाई की वैल्यू जीरो होगी, जस्ट लुक फॉर वाई इक्वल टू जीरो, हियर यू फाइंड टू कॉमा जीरो, दिस विल बी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे पूछा होता तो जीरो कॉमा y, x 0 होता और y होता तो y एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y equal to 6, कट द x एक्सिस एट द पॉइंट, x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो अभी हमने बात की x एक्सिस पे पॉइंट किस फॉर्म के होते हैं, x होगा y नहीं होगा, y की वैल्यू 0, हमको वैल्यू किसकी पता है y की, तो हम इस इक्वेशन में y की जगह पर 0 रख दें, तो ये 2x plus 3 into 0 will be 0 equal to 6, तो 2x equal to 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, और y की वैल्यू तो आपको पता है क्या है 0, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा x comma y, that is 3 comma 0, 0 comma 3 भी दिया है, ताकि आपने यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो, तो बी केयरफुल, 3 कॉमा 0 आएगा, 0 कॉमा 3 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एप्सिसा क्या होता है, एप्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ ध्यान नहीं हो तो बना करके देख लो, यहाँ पर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एप्सिसा पॉजिटिव होता है। y कहाँ पे, y कोऑर्डिनेट कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकेंड में, थर्ड और फोर्थ में y नेगेटिव होता है, तो ये बेसिक हमने बातें की थी। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, x पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ ये नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो फर्स्ट इज एक्स, फर्स्ट जो साइन लगाते हैं वो हम एक्स का लगाते हैं, तो एक्स कहाँ पॉजिटिव है, दोनों, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं इसमें, फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों में एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स पासेस, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ किस पॉइंट से पास होगा, तो एक बात तो पता चल रही है कि वैल्यू इक्वल होगी,
वाई इक्वल टू एक्स है तो वैल्यू इक्वल होगी, पर साइन नेगेटिव है तो वैल्यू का साइन उल्टा होगा। यदि एक्स वन है तो वाई माइनस वन होगा, एक्स टू है तो वाई माइनस टू होगा, वाई माइनस में है तो एक्स पॉजिटिव होगा, है ना, ये बात हमको पता चल रही। तो वन कॉमा वन नहीं हो सकता, जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। बचा क्या, माइनस वन कॉमा वन। एक्स माइनस वन रखोगे तो माइनस ऑफ माइनस वन विल बी प्लस वन, एक्स को माइनस वन रखने पर वाई प्लस वन आ जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ या x इक्वल टू माइनस वाई का ग्राफ कहाँ से पास होगा, माइनस वन कॉमा वन, या वन कॉमा माइनस वन होता तो वो भी ऑप्शन होता। नेक्स्ट है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज एट, फेयर y लेते हैं, टोटल वन किलोमीटर का एट रुपीज, एंड फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज फाइव पर किलोमीटर। तो ये एट रुपीज़ में हम क्या ऐड करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स था तो हम उसमें से वन माइनस करते हैं, टू किलोमीटर का फिक्स होता तो हम टू सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड बस ये आ गया। और आपका पर किलोमीटर चार्जेस क्या है, रुपीज़ फाइव। अब आप इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, एट प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। एट और माइनस फाइव लाइक टर्म्स है, कंबाइन हो गई, एट माइनस फाइव क्या बचा, थ्री। तो आंसर क्या आया, थ्री प्लस फाइव एक्स, y इक्वल टू थ्री प्लस फाइव एक्स, या आप लिख सकते हो y इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री, या स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि इक्वेशन लिखनी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछ ली जाए तो इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए एक्स फाइव एक्स, ए क्या हो गया, ए इज फाइव एंड बी वाई, बी की जगह यहाँ पे क्या है, माइनस वाई, माइनस वाई मतलब साइन हुआ नेगेटिव, और कोफिशेंट कुछ नहीं लिखा है पर वाई लिखा है मतलब वन, तो बी की वैल्यू आपकी हो गई माइनस वन, सी यहाँ पर क्या है प्लस थ्री, तो ए बी सी की वैल्यूज ये होंगी, है ना, सब चीज़ें आनी चाहिए, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ फादर एंड वाई रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो देन द स्टेटमेंट फॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज फाइव मोर देन सिक्स टाइम्स द एज ऑफ द सन। फादर की एज क्या है एक्स, सन की एज क्या है वाई, और क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज फाइव मोर देन, फाइव मोर के लिए इसमें प्लस फाइव होगा, सिक्स टाइम्स द एज ऑफ सन के लिए सन की एज को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इक्वल टू सिक्स वाई प्लस फाइव, ये आपका स्टेटमेंट हुआ, ये मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, दैट इज एक्स इक्वल टू सिक्स वाई प्लस फाइव। उन्होंने सिक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव भी दिया है, हाँ थोड़ा आसपास घुमाए हैं, आप ध्यान से नहीं करोगे, जरा साइन का गलती करोगे तो आंसर गलत कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाई एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू टू। ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू, दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, और एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती हैं, हाँ कितनी लाइन पास होती है एक पॉइंट से, इनफाइनाइट, तो और हर लाइन एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होती है ना, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। तो हमको बोल रहा है कि हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाई एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू टू, तो ऑप्शन क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी। हमने इक्वेशन बनाना भी सीखा था कि x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू से पास होने वाली इक्वेशन लिखो, तो x की वैल्यू वन है, y की वैल्यू टू है, यदि हमने x प्लस वाई किया तो इक्वेशन क्या हो गई, वन प्लस टू दैट इज थ्री, और x माइनस वाई किया तो वन माइनस टू क्या हो गया, माइनस वन, और यदि हमने टू एक्स माइनस वाई किया तो टू माइनस टू इज ज़ीरो। आप कितनी इक्वेशन लिख सकते हो, इनफाइनाइट, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास होती है, और लाइन पास हो रही है तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, है ना। तो कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछने की कोशिश की गई है, बट आप समझ जाइए तो आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी। द पॉइंट्स माइनस फाइव कॉमा टू एंड टू कॉमा माइनस फाइव लाए इन द सेम क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाए करेंगे, इसमें एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो ये किस में लाए करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन क्या आएगा, सेकेंड एंड फोर्थ, और उल्टा लिख देते फोर्थ एंड सेकेंड, तो याद रखना पहले जो दिया है उसका पहले आना चाहिए क्वाड्रेंट, तो ये सेकेंड है और ये फोर्थ है।
मैक्सिमम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन ही भेजे मनस्वी ने. इफ द पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन द एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ ए इज. पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी. नहीं याद है तो यहाँ पे देख करके पता चल जाना चाहिए कि ये ज़ीरो 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 तो यहाँ पर भी ज़ीरो आना चाहिए. पर यहाँ क्या लिखा है a माइनस थ्री तो आपको क्या पता चल गया कि a माइनस थ्री की वैल्यू तो ज़ीरो होना चाहिए. माइनस थ्री इक्वल टू के उधर चला गया प्लस थ्री हो गया. यदि a की वैल्यू प्लस थ्री होगी तभी तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो आएगा. तो आंसर क्या आ गया a इक्वल टू थ्री. ये क्वेश्चन मैं दे चुकी हूँ. हाँ अच्छा ये भी हो गया ये भी हो गया ओके. अब है हाँ ये कुछ क्वेश्चन आपने भेजे थे ये इनकम्प्लीट हैं. ये यदि आपको राजू और उसकी पोजिशन दी हो राम एंड राजू की कुछ ग्राफ दिया हो तो आप डिस्टेंस बिटवीन राम एंड राजू कैलकुलेट कर सकते हो है ना. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मतलब यदि हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहीं पोजीशन दे दी कि दिस इज़ द पोजीशन ऑफ राम दिस इज़ द पोजीशन ऑफ राजू तो आप इनके कोऑर्डिनेट्स देख करके कि मान लो ये एक्स थ्री है और वाई की वैल्यू फोर है. यहाँ एक्स सपोज माइनस थ्री है और वाई की वैल्यू भी हम फोर ले लें सपोज. हाँ तो इनके बीच का डिस्टेंस तो y कोऑर्डिनेट सेम है तो x देखेंगे तो 3 प्लस थ्री सिक्स यूनिट हो जाएगा उस केस में. हाँ डिपेंड्स कहाँ पर है. और आपसे पूछा है राजू स्टैंड ऑन विच क्वाड्रेंट तो ये यहाँ पर यदि ऐसा है तो सेकेंड. जो भी डायग्राम दिया हो ये विद डायग्राम क्वेश्चन होगा. इसका डायग्राम नहीं भेजा था बेटा तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते. तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स ओवर हो गए जितने भी आप लोगों ने भेजे थे. ठीक है एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो मैं कुछ क्वेश्चन स्टेट्स के लेकर के आई हूँ. तो स्टेट्स में द रेंज ऑफ द डेटा इज़ तो रेंज आपको पता होना चाहिए. रेंज क्या होता है मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस. मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज नोन एज रेंज. तो अब आपको पता है कि क्वेश्चंस सारे क्वेश्चन आपको जैसे ही क्वेश्चन है आपको वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करना चाहिए फिर सॉल्यूशन देखना चाहिए. तो मिनिमम वैल्यू क्या है इट अपीयर्स टू बी 9. मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है 61. तो 61 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 52. तो 52 इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास मार्क. व्हाट इज़ द क्लास मार्क. मैंने पिछली क्लास में स्टेट्स के आपको बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज क्लास मार्क. क्लास मार्क मतलब क्लास का मिड पॉइंट. तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो वी विल गेट क्लास मार्क. तो हमको बोल रहा है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 120 to 150. तो हमने 120 और 150 को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से तो ये ऐड होके हुआ 270/2. डिवाइड बाय 2 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 135. तो आंसर इज़ 135. अच्छा इसको शॉर्ट में निकालने का एक तरीका और बताऊँ मैं आपको. इसका एक शॉर्ट तरीका क्या होता है कि इनका डिफरेंस मतलब क्लास साइज हम एच निकाल लें. एच क्लास साइज को डिनोट करते हैं. एच इज क्लास साइज. क्लास साइज को कई जगह पर आप क्लास विड्थ भी पढ़ोगे. कहीं पर भी विड्थ दिया है मतलब क्लास की साइज. तो क्लास साइज या क्लास विड्थ या एच कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. किसी भी एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का गैप इज नोन एज क्लास साइज. तो यहाँ पर क्लास साइज क्या हुआ 150 - 120 दैट इज 30. अब हम क्या करें यदि हमको क्लास मार्क निकालना है तो हम इस 30 का कर दें हाफ. तो 30 का हाफ क्या हुआ 15. तो हम या तो इस लोअर लिमिट में 15 प्लस कर दें तो भी 135 आएगा या अपर लिमिट में से 15 माइनस कर दें तो भी 135 आएगा. तो 135 आपका क्या था क्लास मार्क है ना. तो हम इसको डायरेक्टली भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आपको वन मार्क में MCQ है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द फॉर्मूला बट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला. आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे. हम इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते थे 150 - 120 में गैप कितने का है 30 का. 30 का हाफ 15. 120 प्लस 15 इज़ 135 या 150 माइनस 15 इज़ ऑल्सो 135. ये हमारा आ जाता. अच्छा इसकी अगली क्लास क्या होती व्हाट वुड हैव बीन द नेक्स्ट क्लास 150 to 30 ऐड करोगे 180 और उसका क्लास मार्क क्या होता. हम इसमें फिर से 15 ऐड कर दे तो उसका क्लास मार्क क्या आ जाता 165. अगली आपकी हो जाती 180 to 210 इसमें 50 ऐड करोगे तो 195. इनमें कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स में वही गैप होगा जो क्लास साइज में होता है.
थर्टी थर्टी, क्लियर। तो कई बार आपको क्लास मार्क दे करके क्लास बनाने को कहा जाता है, मैंने करवाया भी था। ये रहा जैसे क्वेश्चन है, द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इज 10, एक क्लास का क्लास मार्क 10 है और क्लास की विड्थ मतलब क्लास साइज 6 है, क्लास साइज 6 है। तो आपको क्या पता है, अभी मैंने आपको बताया था तरीका कि क्लास साइज को हाफ करके, हाँ क्लास साइज को हाफ करेंगे क्या आ गया 3, लोअर लिमिट में से माइनस कर दें, ये अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में प्लस कर दें या अपर लिमिट में से माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, क्लास मार्क। तो लोअर लिमिट में से हमने इसको माइनस किया तो लोअर लिमिट प्लस 3 इक्वल टू 10, तो लोअर लिमिट 10 माइनस 3 क्या आ गई 7, और अपर लिमिट निकालना है तो अपर लिमिट माइनस 3 इक्वल टू 10, तो अपर लिमिट आपकी क्या आएगी 10 प्लस 3 दैट इज़ 13, तो आपकी क्लास क्या हुई 7 to 13। तो 7 to 13 में यदि आप वो निकालते क्लास मार्क 13 plus 7 20, 20 upon 2 10, क्लास मार्क 10 आता। तो ये कंसेप्ट बेटा याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें आते हैं क्वेश्चन हमेशा ही। तो हमसे लोअर लिमिट पूछी थी, तो लोअर लिमिट क्या है 7, 7 to 13 था तो लोअर लिमिट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास विड्थ इज 4, क्लास विड्थ मतलब क्लास साइज इज 4 एंड द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज 10। लोअर लिमिट को हम एल से रिप्रेजेंट कर दें, अपर लिमिट को यू से। लोअर लिमिट 10 है, क्लास साइज 4 है, तो अपर लिमिट क्या होगी 10 plus 4 14। अब आपसे पूछा है देर आर 6 क्लासेस, द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज 6 क्लासेस हैं, तो आपकी क्लासेस क्या हो गई 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22, 22 to 26, 26 to 30, 32, 34। आपसे बोला 6 क्लासेस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, हाँ 6 क्लासेस द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, तो अपर लिमिट लास्ट क्लास की क्या आई 34, तो आंसर क्या आ गया 34। द क्लास मार्क ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू 45, क्लास मार्क क्या दिए 15, 20, 25, बीच में क्या होगा 30, 35, 30, 35, 40 and 45, मैंने सारे लिख दिए। उन्होंने डायरेक्टली दो के बाद डॉट 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 मतलब बीच के भी सारे क्लास मार्क्स लेने हैं। अब आपको बोला है कि 45 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास होगी, तो हमने क्या देखना है कि इनका गैप कितना है, इनका गैप है 5, तो क्लास साइज क्या हुआ 5, यू गॉट के एच इज 5, तो एच 5 है, तो 5 का हाफ क्या हुआ 2.5, तो 15 में से 2.5 माइनस करें तो हमें लोअर लिमिट मिलेगी और प्लस करेंगे तो अपर लिमिट मिलेगी, तो 15 plus 2 is 17.5, और इसमें से अब हम 5 ही माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा 12.5 to 17.5 इज़ योर फर्स्ट क्लास। पर हमें फर्स्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है 45 में, तो 45 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 47.5, और इसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो 42.5, या सीधे इसमें से ही 5 माइनस कर दो तो ये क्या हो गई 42.5 से 47.5, दिस विल बी योर आंसर। द क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू 45 इज 42.5 to 47.5, और इतना ना याद रहे तो आप सिंपली इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके देख लो कि इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने पे किस में 45 आ रहा है, तो आप इनको ऐड करोगे तो ये 48 90 हो गया, 90 by 2 is 45, इसमें नहीं आएगा आपका, हाँ तो ये आप ऐसे भी निकाल करके देख सकते हो यदि आपको ऐसे में लगे कि इट्स टेकिंग मोर टाइम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन विच टू क्लासेस आर इक्वल, दो क्लासेस जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल है, यू कैन सी द ग्राफ एंड सी कि यहाँ पे भी 30 है यहाँ भी 30, कौन सी क्लास है 6th and 7th, तो आंसर क्या आएगा 6th and 7th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल। यदि पूछ लेते कितने बच्चे हैं तो क्या आएगा 30, और पूछ लेते ये 7th क्लास में, ये भी 7th है ये भी 7th है, सेक्शन 8th लिखना चाहिए था या तो, ओके ऑप्शन में 6th and 7th एक ही है, ठीक। यदि पूछ लेते कि दूसरी 7th में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 40, कितनी ज़्यादा है 10, हाँ रेंज क्या हो गई 30 और 40 में 10 का गैप है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन,
कलेक्टेड फॉर अ पर्पज इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो पर्पज से कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा। इसीलिए इस चैप्टर को अभी तक आपने 6, 7, 8 में किस नाम से पढ़ा है, डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में ही हम मीन मोड मीडियन भी निकालते हैं। तो मीन मोड मीडियन आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि डेटा कैसा बिहेव करेगा, तो उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो रेंज जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, क्लास लिमिट नहीं है, जो आपके मीन मोड मीडियन है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। पहले इस पे भी क्वेश्चन आता था पर अभी आपके सिलेबस में बिकॉज मीन मोड मीडियन नहीं है तो अभी हमने वो करा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 90 to 120। तो अब आपने गैप देखा कितना है, 30, 30 का हाफ 15, 15 प्लस कर दिया 90 में, तो आंसर क्या आया, 90 प्लस 15 इज 105, या 120 प्लस 90 करते तो 210/2 करोगे तब भी आंसर यही आएगा। जिसमें आपको टाइम कम लगे वो करो। इन द क्लास इंटरवल्स 10 to 20, 20 to 30, 20 इज इंक्लूडेड इन विच इंटरवल, मैंने भी आपको टेस्ट में दिया था 10 to 20, 20 to 30, 20 कहाँ आएगा, जहाँ पर लोअर लिमिट में है, दैट इज 20 to 30 में। तो आंसर इज 20 to 30, दोनों में नहीं होता, बोथ द इंटरवल्स, नन ऑफ द इंटरवल्स नहीं, जिसमें लोअर लिमिट में आता है उसी में उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्लास विड्थ ऑफ द ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास इंटरवल 1 to 20। देखो नंबर्स पे ध्यान देना, 1 to 20 है, अगला 21 to 40 है, फिर 41 to 60 है, रिपीट नहीं हो रहा, और हमको इसकी विड्थ मतलब क्लास साइज निकालना है। तो आपको क्या पता है कि 20 भी इसमें आएगा और 1 भी इसमें आएगा, 21 भी इसका पार्ट है, 40 भी इसका पार्ट है, तो हम 40 में से 21 या 20 में से 1 माइनस करके 19 नहीं लिखेंगे क्लास साइज। इसमें 20 भी इंक्लूड होगा तो हम 20 में से इसके पहले 1 का प्रेडिसेसर दैट इज़ 0 माइनस करेंगे, तो क्लास साइज क्या हुआ 20। 40 में से माइनस करते तो 20 माइनस करते उसका प्रीडिसेसर, ये दोनों इंक्लूडेड हैं, दोनों उसी क्लास का पार्ट है, तो उसके पहले वाला नंबर माइनस होता है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 20। तो क्लास विड्थ क्या है 20, ये भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था, हाँ स्टेट्स के टेस्ट में हमने इसको भी किया हुआ है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। मिनिमम और मैक्सिमम का गैप इज नोन एज रेंज ऑफ द डेटा। फिर है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इफ द रेंज इज 38 एंड मिनिमम वैल्यू इज 88। ऊपर पूछा मिनिमम मैक्सिमम का गैप, और आपको क्या पता है मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल टू रेंज। अब बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, रेंज 38 है एंड मिनिमम वैल्यू इज 82, और हमको ये निकालना है, तो ये माइनस 82 इक्वल टू किधर जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, 38 प्लस 82 हो गया 120, तो आंसर क्या आ गया 120। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टेस्ट में स्टेट्स में दिया था। तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखना है, वैल्यूज कैन बी डिफरेंट बट कंसेप्ट बेटा वही रहेगा, कंसेप्ट नहीं चेंज होता, आपका कंसेप्ट तो वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन कैन बी स्लाइट डिफरेंट, ठीक है, पर कंसेप्ट तो वही है जो हमने पढ़ा है। तो ये हम ध्यान से करेंगे और ध्यान से रीड करके ढंग से कैलकुलेट करें तो इसमें कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं है। देर इज़ नो स्कोप टू लूज मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल्सो, दे आर वेरी इजी चैप्टर्स। नेक्स्ट इज क्लास मार्क एंड क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आर 25 and 10 रिस्पेक्टिवली, देन द क्लास इंटरवल इज, हमको क्या बोला, क्लास मार्क 25 है और क्लास साइज 10 है, तो 10 का हाफ क्या हुआ 5, 25 माइनस 5 इज 20 और 25 प्लस 5 इज 30, तो आपका क्लास क्या हो गई 20 to 30। ये बात समझ में आ गई ना, कि जो भी क्लास साइज है उसका हाफ करो, क्लास मार्क में उसको माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आएगी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट है, फॉर्मूला ये आप यूज़ करोगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है, एंड इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू कैलकुलेट। नेक्स्ट है, क्लास मार्क ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 5 एंड देयर आर 5 क्लासेस, इफ द क्लास साइज इज 10 देन द लास्ट क्लास इंटरवल इज,
आपको बोल रहा है कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क 5 है और 5 क्लासेस हैं और क्लास का साइज 10 है, तो 5 प्लस 10 क्या होगा, 15, 25, 35, 45, 5 क्लासेस हो गई। तो लास्ट क्लास का, इफ़ द क्लास साइज इज 10 देन द लास्ट क्लास इंटरवल क्या होगा, तो आपको क्या पता है क्लास साइज क्या है 10, 10 का हाफ क्या हुआ 5, 45 में से 5 माइनस किया 40, 5 ऐड किया 50, तो 40 to 50 का क्लास साइज इज 45, आंसर इज 40 to 50। और यदि इतना लंबा ना करना हो तो यू कैन डायरेक्टली 20, 30, 50, 50/2 25, 30, 40, 70, 70/2 35, 90/2 is 45, 110/2 is 55, ऐसे ही निकल गए, है ना, ओरली हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शंस है, देन यू कैन गो लाइक दैट। अदरवाइज हमको बड़े आंसर्स में आता है तो वी नीड टू फॉलो दिस प्रोसीजर, ठीक है। तो इसके साथ आज हमने जितने क्वेश्चन लिए थे सारे ओवर हो गए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो भेजो, नेक्स्ट क्लास में हम किसी और चैप्टर का रिविज़न शुरू करेंगे। थैंक यू।